फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू फिटनेस। आज हम बात करेंगे बैक वर्कआउट के बारे में, मेरे टॉप 3 बेस्ट वर्कआउट। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन है, जल्दी दबाओ, फ्री है यार। कितना सोच रहे हो एक सब्सक्राइब करने के लिए? खैर, बात करते हैं बैक वर्कआउट के बारे में। ये जो वर्कआउट है, मैं आपको बता दूं, इसकी खास बात ये है कि इसमें आपको फॉर्म की दिक्कत नहीं होगी। ये इंजरी फ्री है, कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन जो वेट है, आप ट्राई करें कि धीरे धीरे आप बढ़ाएं वीक बाय वीक। जितनी बार भी आप बैक वर्कआउट वीक में लगा रहे हैं, कोशिश करें 2 बार से ज्यादा ना लगाएं, लेकिन वेट जो है वो आप धीरे धीरे बढ़ाएं। ये जो वर्कआउट है बहुत ही सेफ वर्कआउट है, क्योंकि ये वर्कआउट आपको टोटल मशीन में ही लगाना है, इसलिए इसमें फॉर्म की दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या है, रूल अप्लाई करना है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, और पेशेंस के साथ धीरे धीरे आपको वर्कआउट लगाना है। जल्दी जल्दी आपको ट्राई नहीं करना है। ये जो वर्कआउट है वो आपकी पूरी बैक को कवर कर रहा है, यानी बेंस को, अपर बैक एंड लोअर बैक, ये तीनों चीजें कवर कर रहा है। इसलिए इस वर्कआउट को जरूर फॉलो करें, आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो टॉप 3 वर्कआउट। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है केबल मशीन रोज। ये आपको क्लोज ग्रिप से ही लगानी है। अगर क्लोज ग्रिप हैंडल आपके जिम में अवेलेबल नहीं है तो आप रॉड लेके भी लगा सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके विंग्स के लिए है, यानी कि मिड बैक के लिए। इसे आपने धीरे और पेशेंस से लगाने हैं, और ब्रीद इन ब्रीद आउट का रूल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। रैप आपके यहाँ पे 15-20 होने चाहिए। सेकेंड एक्सरसाइज है वो है वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन। ये एक्सरसाइज आपके अपर बैक के लिए है, यानी ट्रैप है उसके नीचे के पार्ट के लिए है। ये एक्सरसाइज में आपको अच्छे से स्क्वीज करना है। अगर आप अच्छे से स्क्वीज नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना जो वेट है वो कम करें। स्क्वीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको रिजल्ट दिखेगा। इस एक्सरसाइज में भी आपको 15 से 20 रैप लगाने हैं और पेशेंस के साथ लगाने हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट का रूल आप ज़रूर अप्लाई करें। थर्ड एक्सरसाइज है वो है क्लोज ग्रिप पुल डाउन। ये आपको क्लोज ग्रिप हैंडल से ही लगानी है। अगर क्लोज ग्रिप हैंडल आपके जिम में अवेलेबल नहीं है तो आप जो रॉड है उसमें आप क्लोज ग्रिप से लगाएं। इस एक्सरसाइज में रिलीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही स्क्वीज भी करना है, तभी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। ये एक्सरसाइज नॉर्मली पूरी बैक के लिए है, लेकिन ये आपके कवर करेंगे विंग्स को और लोअर बैक को। इसमें भी आपको 15-20 रैप लगाने हैं, और ब्रीद इन ब्रीद आउट का रूल आप ज़रूर अप्लाई करें। ये थी मेरे टॉप 3 बैक वर्कआउट। इसे आप जरूर फॉलो करें, आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखेगा। बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है, इंजरी फ्री है, कोई भी लगा सकता है, मैन हो या वुमेन हो, कोई भी इसे फॉलो कर सकता है। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक दबाएं, सब्सक्राइब लाल बटन है नीचे, उसे आप क्लिक करें। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें।